भिलाई के वॉरियर्स एकेडमी की छात्रा सोनम राजभर ने मणिपुर के इम्फाल जिले में आयोजित शंघाई एमएमए फाइट नाइट में गोल्ड मेडल जीतकर एक बार फिर वॉरियर्स एकेडमी तथा छत्तीसगढ़ का मान बढ़ाया। 24 से 26 नवंबर तक शंघाई एमएमए प्रतियोगिता जो कि मणिपुर के इम्फाल जिले में आयोजित हुई, यह आयोजन मणिपुर राज्य के पर्यटन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था तथा सेवन सिस्टर फाउंडेशन द्वारा संचालित किया गया था। साथ ही एमवे इंडिया द्वारा सेक्शन इवेंट था। इस प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों तथा 8 देशों से सर्वोच्च 48 खिलाड़ियों ने भागीदारी कर अपने हुनर का प्रदर्शन किया, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य से 2 खिलाड़ी सोनम राजभर और मयूर चंद्र प्रसाद भी सम्मिलित हुए। मयूर चंद्र प्रसाद जहां अपने दूसरे ही मैच में रिटायर्ड हर्ट होकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए, तो वहीं सोनम राजभर ने अपना सर्वोच्च प्रदर्शन किया और मणिपुर की खिलाड़ी के साथ पूरे 3 राउंड खेले और अपना सर्वोच्च प्रदर्शन करते हुए अंततः जीत हासिल की। इन दोनों ही खिलाड़ियों के प्रतियोगिता से वापस आने पर जोरदार स्वागत वॉरियर्स एकेडमी में हुआ। इन खिलाड़ियों ने मणिपुर में हुए प्रतियोगिता के अनुभव को मीडिया से साझा किया, साथ ही इनके कोच ने भी प्रतियोगिता की जानकारी न्यूज टीम को उपलब्ध कराई। सर, बहुत अच्छी तैयारी थी, एकदम तैयारी के साथ गए थे ट्रेनिंग में और अच्छा फाइट लड़ने को मिला। यस सर, एकदम कंफर्म था कि मेडल आएगा ही आएगा। सर, मणिपुर की लोकल थी, उन्हें एक साथ हुआ था, बहुत शानदार मैच हुआ था और अच्छा मैच ये था कि हाँ, उसको मारना और मागे गिराना है, ये था। मतलब सिर्फ टारगेट सेट था कि मारना है और गिराना है? यस सर, टारगेट सेट था कि मार के गिराना है। लास्ट राउंड था, थर्ड था और उसमें जीत पक्की हो गई। आगे वाला एक मारेगा, हम दो मारेंगे एकदम। यानी यहाँ की ट्रेनिंग एकदम मस्त है, यहाँ बस ट्रेनिंग अच्छी रहती है और बस यहाँ बस टारगेट और टारगेट के बारे में बताया जाता है सीधा यहाँ पे। जी सर, कि हमारा एक लक्ष्य है। यस, ट्रेनिंग तो बहुत अच्छी हो रही है और 100% मेडल आएगा नेशनल में। मैं वॉरियर्स एकेडमी में ट्रेनर एज अ कोच रायपुर एकेडमी में मेरे देख रेख में एंड इंटरनेशनल ब्लू बेल्ट सर्टिफाइड हूँ मैं, इंटरनेशनल मिक्स मार्शल आर्ट फेडरेशन। मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा ये इवेंट पूरी तरीके से कराया गया था, सेवन सिस्टर फाउंडेशन ने जिसको एग्जीक्यूट किया था। हमारे यहाँ से 2 फाइटर्स गए थे और बहुत ही बड़ा शानदार इवेंट था एमएमए शंघाई एमएमए, जहाँ इंटरनेशनल और नेशनल फाइटर्स प्रो एंड एमेच्योर बाउट्स बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें हमको देखने और सीखने को मिली। हमारे यहाँ से 2 फाइटर्स थे, एक सोनम राजभर एंड सेकंड मयूर चंद्र प्रसाद जी। इन्होंने 2 बहुत अच्छे शानदार फाइट्स लड़े, एमेच्योर बाउट्स थे और इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए हमारे पास एक गोल्ड आया है, विनिंग आया है। बिल्कुल, आदमी जब तक जिंदा है तब तक उसको कुछ ना कुछ सीखना ही रहता है, वो अपनी गलतियों से सीखता आगे बढ़ता है और हमने भी बहुत सारी गलतियां की, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी, नई चीज़ें हमने सीखी और हमारे जो इतने सारे इवेंट्स में इतने सारे जो फाइट्स हुए उससे हमने बहुत कुछ सीखा और समझा है और हमको डेफिनेटली उसमें हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत मदद मिलने वाला है और हमको और मेहनत की ज़रूरत है। बट हमारे फाइटर्स ने अच्छा ही खेला है, आगे चल के उनको और मेहनत करनी है। वो मेडिकली अनफिट हो गए, उन्होंने सेकेंड राउंड तक बहुत अच्छा कड़ा टक्कर दिया सामने वाले पर्सन को, बट ड्यू टू मेडिकल इंजरी वो थोड़ा सा अनफिट डिक्लेयर हो गए और वो बाउट हम ऐसे लॉस कर गए। सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा माइंडसेट। जब तक हमारा एकदम खुला विचार के हैं हम, जब तक कि सामने वाले पर्सन से हम तब तक के लड़ सकते हैं। जहाँ हम नर्वस होते हैं वहाँ हमारा माइंडसेट पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता है और हम किसी ना किसी तरीके से गेम से बाहर हो जाते हैं। तो हम बेसिकली यहाँ वॉरियर्स एकेडमी में इसी चीज़ का तैयारी करते हैं कि हम माइंडसेट वाइज और एक ट्रेनिंग वाइज और स्किल्स वाइज फाइटर को पूरी तरीके से डेवलप करें, उनको कॉन्फिडेंस दिलाएं कि वो जीत सकें। हमारी प्रैक्टिस बाकी टूर्नामेंट के जो प्लेयर हैं उनसे बहुत आगे है, बहुत ऊपर है, हम कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं हैं। हम चाहे तो हर वेट कैटेगरी, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज़ हो, जूनियर हो या सीनियर हो, उसमें हम गोल्ड ला सकते हैं और इस बार लाएंगे भी जबलपुर एमएमए नेशनल। ऐसा था कि मैंने सिर्फ 2 राउंड खेला, सेकेंड राउंड में मुझे किक लगी जहाँ मेरी इंजरी है वहाँ पे 2 किक लगी, तो उसके बाद मेरे कोच ने एज ए मेरी सेफ्टी के लिए मैच को रुकवा दिया, मेरी सेफ्टी देखते हुए, जो कि कोच का फ़र्ज़ है। आगे जो जबलपुर के बारे में आप बता रहे हैं, उसके लिए अपने आप को मेडिकली फिट कब तक कर पाएंगे और क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको? एक्चुअली मैं 3 महीने तक कोई टूर्नामेंट नहीं खेल सकता,
डॉक्टर की तरफ से मुझे ये सलाह मिली है कि 3 महीने तक मैं कोई टूर्नामेंट नहीं खेल सकता, 3 महीने के बाद मैं खेल सकता हूँ, 3 महीने तक मैं अपनी इंजरी रिकवर भी कर लूँगा और ट्रेनिंग में भी वापस आ जाऊँगा। आपके जो एक्सपीरियंस है, जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस दौरान क्या आप यहाँ आकर के अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बाकी लोगों से शेयर करेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई मेरे लिए ना बड़ा है ना मैं छोटा है, जो भी एक्सपीरियंस होती है मैं सबके साथ शेयर करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर। वॉरियर्स एकेडमी के जो संचालक हैं, कोच हैं, उनकी तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आप लोगों को, कितना बढ़ावा मिलता है, कितना प्रोत्साहन मिलता है? सच बोलूँ तो ये जो MMA शंघाई इवेंट था मणिपुर का, वो अगर नितिन सिंह सर नहीं होते तो मैं नहीं खेल पाता। उनके साइड से ही मुझे आगे बढ़ावा मिलता है हमेशा खेलने के लिए, और वो मुझे कभी पीछे नहीं करते, हमेशा आगे रखते हैं, तुमको ये मैच खेलना है वो मैच खेलना है, हमेशा मुझे बड़े इवेंट के लिए हमेशा रेडी रखते हैं। आपके साथ जो फिजियो हैं उनका कैसा योगदान रहता है? दिव्या मैम का, डॉक्टर दिव्या मैम का भी कोच के जितना ही योगदान रहता है, हमेशा कोई भी इंजरी रहती है, अगर एज ए प्लेयर कोई भी यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं एज ए प्लेयर अगर खरोज भी आती है तो मैम तक बात जाती है तो मैम के पास तुरंत फ़ोन आता है कि बेटा क्या हुआ तुमको, तुम बताओ, और जो होता है उसके बाद वो उनका रिकवरी का वो भी बताती हैं कि क्या रिकवरी करने से कैसा क्या सॉल्यूशन निकलेगा रिकवरी के लिए। मैडम जब ऑन स्पॉट होती है तब कैसा होता है? मैडम जब ऑन स्पॉट होती है तो अच्छा रहता है, हम एक्चुअली देखा जाए तो मैम कभी हमें मतलब बाहर का भी समझे नहीं, हमेशा अपने बच्चों ऐसे ट्रीट करती हैं। अगर मैं बता रहा हूँ ना, हमें रोज भी आती तो मैम सबसे पहले आगे रहती, मतलब कुछ एक ऐसी एनर्जी लगती है कि हमारे साथ एक शक्ति है। देखो एक फिजियो का रहने का ये फायदा रहता है कि हम लड़ लेते हैं, हम कहीं भी छोटा है हमें पता है हमारे पीछे हमारी मैम खड़ी है, छोटा है वो तुरंत हील करेंगी, रिकवर करेंगी या कुछ सॉल्यूशन बताएंगे उसको जल्दी कैसे ठीक करना है, तो ये एनर्जी रहती है पीछे हमारे खड़े। वॉरियर्स एकेडमी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर दिव्या एवं चेयरमैन नितिन सिंह ने भी इन खिलाड़ियों को बधाई दी है और आगे आने वाले चैंपियनशिप के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।